भाई पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस टाइम इस रोड पे काफी गड्ढे हो रहे हैं, आप वीडियो में देख रहे होंगे, और काफी बड़े बड़े गड्ढे थे पीछे की तरफ। तो भाई आज का दिन है 5 अक्टूबर और सुबह के बज रहे हैं 7:13 और अभी मैं हूँ मेड एक्सप्रेसवे के रेस्टोरेंट सर्विस एरिया पे। आप देख रहे हैं सामने की तरफ रेस्टोरेंट सर्विस एरिया, और बाकी आज की वीडियो को हम कर देते हैं शुरू। और वीडियो को थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ मेड एक्सप्रेसवे के रेस्टोरेंट सर्विस एरिया पे। अभी तो यहाँ पे साफ सफाई चल रही है क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। बाकी रुका था यहाँ पे, वैसे मैंने इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले की थी इसलिए मैं दोबारा नहीं बना रहा। बाकी इधर पूरा फूड कोर्ट बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे आप अपना खाना पीना ले सकते हैं। बाकी मेन फूड कोर्ट ये वाला है। और भाई सुबह सुबह का टाइम है इसलिए अभी आपको खाली खाली दिख रहा होगा और कोई भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वैसे ही ऑपरेशन में आ चुका है। बाकी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, देख सकते हैं आप। तो भाई वैसे तो आज मैं जाने वाला हूँ ऋषिकेश से थोड़ा सा ऊपर कुंजापुरी मंदिर पे, लेकिन जो आज की वीडियो मेरी होने वाली है वो होने वाली है दिल्ली से हरिद्वार तक की। और इस पूरी वीडियो में आपको पूरा रूट दिखाने वाला हूँ। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, इसमें मैं डिटेल वीडियो नहीं बनाऊँगा, बस आपको मेन कह सकते हैं छोटी और कुछ मोटी बातें इस वीडियो में बता दूँगा। और भाई इस मेरठ एक्सप्रेसवे का जो सबसे मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एयरप्लेन है वो उस साइड आएगा, तो वो उस साइड पड़ता है। तो आप चाहे तो देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो भाई मैं अभी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ मेरठ एक्सप्रेसवे की। देखो मेरठ एक्सप्रेसवे पे ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन यही होते हैं कि यहाँ टू व्हीलर अलाउ है कि नहीं। तो यहाँ पे टू व्हीलर वगैरह कोई अलाउ नहीं, यहाँ पे सिर्फ फोर व्हीलर आ सकते हैं, ये ट्रक एंड बसेस चल सकते हैं। और ये देखिए भाई, ये रॉन्ग साइड से कौन आ रहा है? ये कौन है भाई? ये टोल के कर्मचारी है क्या भाई? पता नहीं कौन आदमी है, ये रॉन्ग साइड से आ रहा है, अपनी कहाँ लेके जाना चाह रहा है, दिल्ली नंबर। खैर छोड़ते हैं इसको, तो फालतू लोग हैं। बाकी डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। बाकी इस पे एक टोल पड़ेगा सबसे पहले ही, और उस टोल का जो टोल टैक्स पड़ेगा आपको अगर आप सरायकाले खां से चलते हैं तो वो पड़ेगा 155 रुपए का। भाई आ चुका है मेड एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा, और मैंने जैसे आपको बताया 155 रुपए यानी कि 155 रुपीज का यहाँ पे टोल कटेगा, लेकिन अगर आप सरायकाले खां से चढ़े हैं तो ही 155 का कटेगा, अदरवाइज जिस जहाँ से भी आप चढ़े होंगे उसके अकॉर्डिंग ही कटता है। भाई ये लेन खाली दिख रही है, इसमें घुसा देता हूँ, और इससे मेरे से पहले एक गाड़ी वाला घुस गया। भाई ये जो हाईवे है ना, इस पे भी कैमरे लग गए हैं जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं ना। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्पीड कैमरा दिखाया था जो कि आपका इस मेरठ हरिद्वार हाईवे पर भी लग चुके हैं, कुछ कुछ जगहों पे लगे। अभी वो खैर स्टार्ट नहीं था जैसा मुझे लग रहा था, बाकी हो भी सकता है क्योंकि वहाँ कुछ स्पीड वगैरह तो मेंशन हो नहीं रही थी। और वो जो एरिया था जहाँ पे वो लग रहा था वो शिव भारती के पास का एरिया था। बाकी इस हाईवे की जो रोड वगैरह की कंडीशन है ना वो भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत खराब है। बाकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप जाके मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। आ गया है मेरठ हरिद्वार हाईवे का सबसे पहला टोल जिसका नाम है शिवाय टोल प्लाजा, और यहाँ पे 110 रुपए का टोल लगता है। भाई इसको क्रॉस करते हैं, मिलता हूँ आपसे आगे। इस जगह भी अगर आपको सामने नजर आ रहे हो तो स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, हालांकि ये अभी वर्किंग में नहीं है जैसा मुझे लग रहा है क्योंकि स्पीड वगैरह शो नहीं कर रहा है, लेकिन कैमरास वगैरह लगा दिए गए हैं। ये दूसरा कैमरा था, अभी थोड़ा सा आगे खतौली वाला टर्न आ जाएगा। भाई साहब कितना ट्रैफिक चल रहा है। तो भाई इसी मेरठ हरिद्वार हाईवे पर था, और इधर है ये मालगाड़ी ढाबा, यहाँ पे रुक गए थोड़ी देर के लिए। भाई यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी है,
और भाई ये जो चार्जिंग स्टेशन है ना, ये अभी बन ही रहा है, अभी ये ऑपरेशन में आया नहीं है। अभी मैं पहुंच चुका हूं खतौली के पास। ये देखिए सामने खतौली, ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो पूरा एरिया खतौली का ही आता है, लेकिन जो मेन आता है वो आता है राइट की तरफ। अगर आप मुड़ जाएंगे इस फ्लाईओवर से नीचे, अगर आप इस फ्लाईओवर से नीचे राइट की तरफ मुड़ जाएंगे तो आप चले जाएंगे खतौली के लिए। ऐसा ऊपर बोर्ड पे दिखा रहा है 5 किलोमीटर। और वहीं से ही अगर आपको लैंसडाउन या बिजनौर की साइड जाना हो तो ये रास्ता यूज कीजिएगा। बाकी किसी को अगर सेपरेट वीडियो देख रही है इस रास्ते की तो वो भी मैंने बताई हुई है, ऊपर आई बटन में कहीं ना कहीं मैं लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो भाई ये आ गया तीसरा स्पीड कैमरा, और ये भी शायद वर्किंग में नहीं है, ये खतौली के बाद आया है। भाई सामने की तरफ एक और स्पीड कैमरा आ चुका है, बाकी ये भी मुझे लगता है चल नहीं रहा है। कौन से नंबर का स्पीड कैमरा भाई ये नहीं पता, नीचे लिख के बता दूंगा आपको। बाकी ये मुजफ्फरनगर के बाद आया है। भाई ये आ गया है तीसरा टोल प्लाजा, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, और अगर आप मेरठ से चले हैं तो ये मेरठ हरिद्वार हाईवे का दूसरा टोल प्लाजा है। तो यहाँ का जो भी टोल होगा मैं नीचे लिख के बता दूंगा। तो भाई टोल प्लाजा से टोल कटवा के तो आ चुके हैं, और भाई टोल पे टोल दिए जा रहे हैं। इस रूट पे एक और टोल प्लाजा भी आगे आएगा, लेकिन भाई जो रोड की कंडीशन है ना वो मजेदार नहीं है भाई। जिस हिसाब से टोल लिया जा रहा है ना उस हिसाब से रोड की कंडीशन तो नहीं है, रोड मांग रही है भाई मेंटेनेंस, चकाचक रोड को बनाना चाहिए दोबारा से। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना। तो भाई सामने की तरफ आ गया है उत्तराखंड की सीमा, यहाँ से उत्तराखंड की सीमा स्टार्ट हो जाएगी। और सामने की तरफ लगा हुआ है बोर्ड वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। और भाई इस पॉइंट के बाद ना आपको काफी जगहों पर स्पीड कैमराज नजर आ जाएंगे, और वो सारे कैमराज वर्किंग है, ये भी ध्यान रखना है भाई। और मेरे ख्याल में यहाँ पे 70 की स्पीड लिमिट है, और पीछे की तरफ 80 की थी, लेकिन स्पीड लिमिट ना कुछ कुछ जगहों पे चेंज होती रहती है, तो देख के थोड़ा चलना पड़ता है। भाई यहाँ पे तो टू व्हीलर की भी स्पीड लिमिट है 60, और कार्स की है 80। और आगे की तरफ स्पीड कैमरा आ गया है, अगर आपको वीडियो में दिख रहा होगा, वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो भाई वो सामने की तरफ देख रहे हैं वो है स्पीड कैमरा, और वो वर्किंग में है भाई, इसको ऐसा मत समझना कि चल नहीं रहा है। आ गया हमारा चौथा टोल प्लाजा, तो यहाँ पर टोल कटवाते हैं और चलते हैं। बाकी हरिद्वार तक अगर आप आ रहे हैं तो ये लास्ट टोल प्लाजा पड़ेगा, इसके बाद कोई टोल प्लाजा नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो टोल प्लाजा पड़ेगा वो देहरादून वाली रोड पे पड़ता है, बाकी इसका जो भी टोल होगा मैं नीचे लिख के बता दूंगा। वैसे भी टोल प्लाजा पे तो लग रही है लंबी लाइन, धीरे धीरे निकल रही है गाड़ियाँ, और टोटल 4 लेन चल रही है भाई इसमें, बाकी 2 लेन बीच की बंद है। तो भाई लोग अभी मैं पहुंच चुका हूँ हरिद्वार, ये ऊपर लिखा है वेलकम टू कुंभ सिटी हरिद्वार। तो भाई पहुंच चुका हूँ हरिद्वार में, और मेरे इधर अरे दिखाई नहीं दे रहा हुआ, दिखा थोड़ा सा, ये है मनसा देवी मंदिर, और इस साइड है चंडी देवी मंदिर, और ये सामने आ गई हल्की पौड़ी की पार्किंग, जहाँ से ये ऑटो वाला निकला ना, ये जा रही है, ये वाली है। तो भाई हमें तो जाना है ऋषिकेश, तो अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। और यहाँ से जो ऋषिकेश दिखा रहा है वो दिखा रहा है 23 किलोमीटर, यानी कि 23 किलोमीटर। वाले टाइम लैप्स में हमने देखा होगा कितनी देर लगी उस छोटे से पैच को पार करने में। तो भाई सीन यही है कि वहाँ पे ऊपर फ्लाईओवर का काम चल रहा है, और अभी फ्लाईओवर बना नहीं है, जब वो बन जाएगा तो ट्रैफिक वगैरह कम ही हो जाना है, बाकी तब तक तो उसी रोड पे चलना है जो अभी आपने टाइम लैप्स में देखी। और उस जगह पे इतना ही जाम मिलता है, और जब वीकेंड्स वगैरह होते हैं और ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक आता है ना तो भाई यहाँ से निकला ही नहीं जाता, घंटों घंटों भी जाम लग जाता है। तो भाई अभी जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ ये है मोतीचूर रेंज, और इसे मोतीचूर वाला फ्लाईओवर भी कह रहे थे कुछ लोग। और अगर सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का बोर्ड, तो यहाँ होती है जंगल सफारी, जो कि होती है आपका राजा जी नेशनल पार्क की। तो इस जगह से भी आप जंगल सफारी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। भाई ये वाली जो रोड है जो आपका हरिद्वार से ऋषिकेश जा रही है, इस पर भी मैं चल रहा हूँ,
इस रूट पर भाई स्पीड लिमिट पर क्या है, आपको इंटरसेप्टर खड़ी हुई मिल जाएंगी, तो अगर आप ओवर स्पीडिंग करेंगे तो आपका चालान कट सकता है। इस जगह पे कोई कैमरे वगैरह ज्यादा नहीं है, लेकिन इंटरसेप्टर मिल जाती है भाई यहाँ पे आराम से। इस पॉइंट से अगर आप चले गए लेफ्ट तो आप देहरादून चले जाएंगे और सीधे चले जाएंगे ऋषिकेश के लिए। भाई पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस टाइम इस रोड पे काफी गड्ढे हो रहे हैं, आप वीडियो में देख रहे होंगे, और काफी बड़े बड़े गड्ढे थे पीछे की तरफ तो। तो भाई लोग ऋषिकेश तो मैं पहुंच चुका हूँ, और आप देख रहे हैं कि रोड वगैरह बहुत खराब है भाई, यहाँ पे कुछ पीछे काम भी चल रहा था, बाकी मुझे लगता है रोड्स वगैरह बनाई जाएंगी दोबारा, लेकिन रोड फिलहाल की कंडीशन तो बहुत ही खराब है भाई। तो आज की मेरी जो वीडियो होने वाली थी वो होने वाली थी दिल्ली से लेके ऋषिकेश तक की, तो इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो होने वाली है ऋषिकेश से कुंजापुरी मंदिर की, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।